हम तो बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मगर ये मौलवी साहब हैं और ये भी गुस्ताखी के उससे बच नहीं सके, कानून से, जो काला कानून है ना उससे बच नहीं सके। सो आई शुड नॉट लाफ एट दीज बट इट इज जस्ट समटाइम्स इट्स सो फनी। आवाज शायद इसकी इतनी ठीक नहीं होगी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि बंदा बोल क्या रहा है, मगर आई विल प्ले एंड यू गाइस कैन टेल मी हाउ इट इज। बात और यार ये नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। बात यानी मैं एक आपकी आपने बात सत्रह यानी अब उसका तो जुर्म अल्लाह ही जानता है, मैं कह रहा था उसका मामला कुछ भी नहीं है। नहीं आपने बात करना, ये बात नहीं, आप बोल सकते थे कि ये गलत है। अगर आप जान मजीद मौजूद हो गया इससे बढ़कर देखा हमारे लिए कोई चीज़ कोई चीज़ नहीं है। अच्छा तो मुझे जहां तक, क्योंकि ऑडियो इतनी क्लियर नहीं है इसकी, आई नो इट वॉज लाइक वेरी हार्ड फॉर मी टू अंडरस्टैंड भी क्या बात कर रहे थे, उनका डायलेक्ट भी जरा सा डिफरेंट है। तो मुझे जहां तक समझ में आया, इससे किसी ने कहा, ये किसी कमरे में गया, वहां पर कुरान भी पढ़ा हुआ था, वहां पे और भी चीजें पड़ी हुई थी, तो इससे किसी ने कहा कि वो सफाई करके उन सब चीजों को जला दो, और इसने जाके वहां पे जला दी, और वो बस इसी चीज पे वो उसको बोल रहे थे। तो वो यही कह रहा था ना कि ये शरीफ लोग हैं, कोई शरीफ लोग थे जो ले आए इसको पुलिस वालों के पास, वरना इमेजिन करोगे इसका भी, इस मौलवी का भी सरपंच से जुदाई, खुद मौलवी है, ये खुद भी मौलवी है। सो आई डोंट नो कि क्या हुआ वहां पर, बट इस की भी वीडियोस हैं काफी सारी। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।